अस्सलामु अलैकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को फूली मैंने का सलाम पहुंचे। मेरे चैनल पर आने वाले तमाम मौजूद व्यूवर्स को खुश आमदीद। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बेहद मज़ेदार क्रिस्पी भिंडी की रेसिपी, जिसे आप भिंडी फ्राई भी कह सकते हैं। ये भिंडी बहुत आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है और खाने में बहुत ही मज़े की होती है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे ही एज ए स्नैक भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो ये सारे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून, देन हमें चाहिए चाट मसाला 1/2 टी स्पून, देन हमें चाहिए ज़ीरा 1/2 टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, देन हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टी स्पून और हसबे ज़ायका हमें नमक चाहिए। और एक पाव मैंने यहाँ पे भिंडी ली है और जिसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इस भिंडी को मैंने कैसे काटा है एक मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला और इसका ये नीचे वाला टेल पार्ट जो है अलग कर देंगे, देन इसको हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, ये देखें। और आपने भिंडी जो है मीडियम साइज़ की लेनी है, ना बहुत छोटी हो और ना ही बहुत बड़ी हो, बड़ी भिंडी क्रिस्पी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, जिनसे मैंने मेज़र किया है वो आप देख लीजिए, ये टेबल स्पून था, ये आपको मैं दिखा देती हूँ हर वीडियो में ताकि आपको पता रहे। उसके बाद ये 1/2 टी स्पून है और ये 1 टी स्पून है। तो चलें अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ मैंने पैन को ड्राई कर लिया है क्योंकि मैंने वॉश किया था। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी और ऑयल को जो है थोड़ा सा मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। जब थोड़ा थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, तब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, क्यूमिन सीड्स, ठीक है, और इसको हल्का सा मिक्स दे देंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स वेट करेंगे कि ज़ीरा अपना कलर चेंज कर ले। जब ज़ीरा अपना कलर चेंज कर लेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑयल है वो भिंडी डालने के लिए रेडी है। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को जो है मीडियम पे रखा है। अभी आप देखेंगे कि ज़ीरा अपना कलर चेंज कर लेगा, ये देखें यहाँ पे ज़ीरा अपना कलर चेंज कर चुका है, ये गोल्डन ब्राउन सा हो गया। आपने इतना ही रखना है, इसको जलाना नहीं है, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा ये। देन आपने इसमें भिंडी ऐड कर देनी है, ये देखें अब मैं ये सारी भिंडी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं और हम इसको जब तक मिक्स करेंगे जब तक ये भिंडी अपना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज नहीं कर लेती। तकरीबन 5 मिनट मिक्स करने के बाद जो है, मतलब 5 मिनट फ्राई करने के बाद भिंडी अपना कलर चेंज कर लेगी। ज़रूरी नहीं है आप इसको कंटिन्यूस चलाते रहें, आप बीच बीच में स्पून छोड़ भी सकते हैं, 2 मिनट छोड़ दिया फिर 1 मिनट मिक्स कर लिया। इस तरीके से आपने भिंडी को 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ मैं ये भिंडी को फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर 1 पाव भिंडी ली है, लेकिन जब ये पक जाएगी, पूरी तैयार हो जाएगी, तो इसकी क्वान्टिटी कम हो जाएगी, मतलब ये सिंगल सर्विंग के आसपास रह जाएगी। देखें यहाँ पे हमारी भिंडी जो है फ्राई हो रही है। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि हाँ, ये भिंडी सिंगल सर्विंग रह जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी रेसिपी बताऊँ वो कम क्वांटिटी में बताऊँ, ताकि बहुत सारे लोग इसलिए भी रेसिपीज ट्राई नहीं करते कि इन्होंने इतनी सारी बताई है, ख़राब हो गई तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कम क्वांटिटी में बताऊँ ताकि आप ट्राई करते हुए उसे डरें ना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको, अब देखें यहाँ पे जो भिंडी है वो हल्की हल्की गोल्डन सी होना शुरू हो गई, मैंने अभी आपको स्पून से उठा के दिखाई भी थी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, ये देखें। अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया जो कि प्याली से बाहर ही नहीं निकल रहा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी का बचा हुआ सॉल्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्ट चला गया, यानी कि नमक। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अगेन इस भिंडी को 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी कि कलर इसका थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे, बीच बीच में आप जो है इसके स्पून को छोड़ भी सकते हैं, मतलब इसको मिक्स करना थोड़ी देर, मतलब 1 मिनट छोड़ दें और फिर इसको 1 मिनट फ्राई कर लें, 1 मिनट छोड़ दें, फिर 1 मिनट मिक्स कर लें। अब देखें इसका कलर जो है हल्का हल्का और चेंज सा हो गया, गोल्डन की तरफ आना शुरू हो गया। तो अब हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इसमें बाकी के जो हमारे स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे, यानी कि रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया और मैं इसके साथ ही अब इसमें
चाट मसाला ऐड कर दूंगी। ये देखें, मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसे दोबारा से फ्राई करना शुरू करूंगी और मैं इस भिंडी को जब तक फ्राई करूंगी जब तक कि एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाएगी और ये अपना ऑयल नहीं छोड़ देगी। पता है, मतलब जब ये एकदम क्रिस्पी होगी ना, तो जैसे आप इसको मिक्स करेंगे तो आपके पैन में से आवाज़ आने शुरू हो जाएगी क्रिस्प क्रिस्प की, ठीक है, और ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। मतलब आपको नज़र आएगा कि भिंडियों में से ना ऑयल निकल रहा है। तो जब ये अपना ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दे और क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाए, इसको मिक्स करते हुए क्रिस्पी आवाज़ आने लगे, तो इसका मतलब कि हमारी भिंडी रेडी हो गई है। अभी आप देखिएगा, जब ये हो जाएगी तब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। तो ये देखें, हमारी भिंडी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी किस तरीके से इसमें क्रिस्प क्रिस्प की आवाज़ें आ रही हैं। देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है पूरी तरीके से और हमारी भिंडी भी जो है ऑलमोस्ट क्रिस्पी हो चुकी है। मैंने मिर्च मसाला डालने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट और फ्राई किया है और ये ऐसी होनी शुरू हो गई है। अब आप देखेंगे कि इसमें से आपको ऑयल निकलता हुआ भी नज़र आएगा। आप जिसे गौर करें तो आपको ऑयल रिलीज होता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, बबल्स बन रहे हैं ना ऑयल के, तो यहाँ पे ये ऑयल रिलीज कर रही है अपना। मैंने थोड़ा सा जूम किया है आपके लिए। ये देखें, ये बबल्स बन रहे हैं, ये देखें, नोट करें, बन रहे हैं ना, ये देखें। तो ये भिंडी अपना ऑयल रिलीज कर रही है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और आपको इसकी क्रिस्पी होने की जो है आवाज़ भी सुनवाती हूँ। एक मिनट देखें, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसका पहले ऑयल देख लें कि ये रिलीज़ कर रही है अपना ऑयल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं आपको इसके क्रिस्पी होने की आवाज़ सुनाऊंगी। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई भिंडी रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप भी एक बार इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये भिंडी बहुत ही मज़े की थी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ जो बेल बटन है उसे भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अपने प्यारों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए और उन्हें भी ईजी और यूनिक रेसिपी सीखने का मौका मिल जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड एंड बी पॉजिटिव।